आप लोगों को एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया गया था। अच्छा टॉपिक था, एक तो ये टॉपिक था कि हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल मेमोरी में कैसे सेव होता है, ये हमने डिटेल डिस्कशन की थी इस क्लास में। और लास्ट में आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों को क्या करना है, ये पता लगाना है कि पॉइंट वाला जो नंबर है ना वो कैसे सेव होता है मेमोरी में। ये मैंने बात नहीं बताई थी, मैंने जो बगैर जो पॉइंट वाला होता है, जो अनसाइंड नंबर होता है उसको फॉर्मली कहते हैं, तो वो मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब पॉइंट वाला नंबर कैसे सेव होगा फ्लोटिंग पॉइंट मेमोरी में, तो ये टॉपिक मैंने आपको दिया था रिसर्च करने के लिए और उस पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अच्छा जिसमें से 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास ये दोस्त मौजूद है, इनकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे लगी हुई है, अब ये उसको चलाते हैं। अच्छा तो अब मैं ज्यादा बात किए बगैर आप जरा अपना सबसे पहले ना इंट्रोडक्शन करवाएं, और इंट्रोडक्शन करवाने के बाद ये प्रेजेंटेशन शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। ये प्रेजेंटेशन कोर्स के ऊपर है, केक कोर्स। अपना पहले इंट्रोडक्शन तो कराओ, अपना बैकग्राउंड क्या पढ़ते हो क्या करते हो पूरा बताओ ना। ये सब आपकी ऑडियंस है आपके सामने। मैं एक मतलब ऑफिस में जॉब इंटर कंप्लीट है, उसके बाद ऑफिस में जॉब करता हूँ सुबह के टाइम पे ना चैनल के अंदर, फिर वहां से डायरेक्ट इधर आ जाता हूँ। यही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, बाकी शुरू करो। ऑडियंस तुम्हारी कॉस्ट वेरिएबल कि ये चेंज क्यों हो रहा था एरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके ऊपर टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी आज जो प्रेजेंटेशन बनाने को डिसीजन में। कि जैसे कि बात होता है लेट कॉस्ट, 3 वेरिएबल हम होते हैं जिसमें वेरिएबल वगैरह हम सेव करवाते हैं, तो वह ग्लोबल होता है मतलब कहीं पर भी यूज हो जाएगा, मतलब एक ब्लॉक इसको बोलते हैं उससे बाहर निकलेंगे जब भी यूज हो जाएगा। और उसके अलावा ESL 6 के अंदर 2 आए हैं जो नई ESL 6 है, लेट और कॉस्ट। फिर लेट और कॉस्ट, फिर कॉस्ट के अंदर ये होता है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल सेव करवाते हैं तो वो जैसे कि हमने पढ़ा था वो चेंज नहीं होती है, नई उसके अंदर वैल्यू नहीं दी जाती है। जबकि जब एरे का सब्जेक्ट पढ़ाया तो उसके हमने ये देखा कि कॉन्स को हम कोई एरे दे रहे थे, कौन सा कोई एरे वेरिएबल सेव करवा रहे थे, तो उसके अंदर कोई नए एरे पुश कर रहे थे तो वो जा रहा था, तो इसकी वजह क्या है। जबकि कॉन्स के अंदर तो हमने ये पढ़ा था कि वो चेंज नहीं होता है, तो उसकी वजह ये थी कि कॉन्स जो यूज होता है लेट और कॉन्स वो ब्लॉक स्कोप के लिए यूज होता है। फिर कॉन्स इसलिए यूज होता है कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती है जावास्क्रिप्ट में उसके लिए यूज होता है, जो मतलब जिसके हम चाहते हैं कि वो बाद में कोई प्रोग्रामर आकर या कोई चेंज ना करे उसके लिए हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। लेकिन कॉन्स्ट जब एरे और ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा तो उसका रेफरेंस जो है ना वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि लेट के अंदर हम लेट के अंदर कोई नाम सेव करवाते हैं, फिर तो उस नाम को उसकी वैल्यू कोई नाम दूसरा देना चाहते हैं तो वो चेंज होता है, लेकिन कॉन्स्ट के अंदर ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा डॉट पुश के जरिए, मतलब जो एरे के मेथड हैं उनके जरिए चेंज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कॉन्स के अंदर जो ना रेफरेंस चेंज नहीं होता है, मतलब हमने कॉन्स के लिए कोई नाम दिया है और उसके अंदर कुछ सेव करवाया, तो जो एरे का नाम होगा या ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन जो उसके अंदर वैल्यू होगी वो एरे के मेथड के जरिए चेंज हो सकती है, तो ये वजह है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कॉन्स के अंदर हम कुछ भी चेंजिंग ना करें, जो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज इसका एक मेथड होता है उसके जरिए हम ये कर सकते हैं कि हम बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं चाहते कि ना उसका रेफरेंस चेंज हो ना उसकी वैल्यू चेंज हो, तो फिर हम ऑब्जेक्ट और फ्रीज यूज करते हैं। और उसके अलावा एरे के मेथड के जरिए हम उसके अंदर वैल्यू दे भी सकते हैं और वैल्यू उसमें से हटा भी सकते हैं। थैंक यू।